जो भूत वर्तमान और भविष्य को बदल देगा। एक ऐसा प्रलय जो अच्छाई और बुराई की जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हिंदुस्तान खत्म। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान, बच के रहना हम है हिंदुस्तान। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? फाइनली हमारे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और आज रिव्यू करने वाले हैं BMCM टीजर का। BMCM मतलब यार बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि BMCM का टीजर आज 10 बजे आ गया है और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, जिन्होंने इससे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी मूवी देकर हिट बनाया। तो भाई, जिसने भी टाइगर जिंदा मूवी देखी है वो जानता है कि अली अब्बास जफर कैसे डायरेक्टर है। वो इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर है जैसे कि आप इस टीजर में देखकर समझ ही गए होंगे। और टाइगर जिंदा है, सुल्तान मूवी तो सिर्फ यार झांकी थी, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। भाई साहब, मैंने जब ये सुबह सुबह टीजर देखा तो सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं BMCM का टीजर देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि सच में मैं कोई हॉलीवुड मूवी का टीजर देख रहा हूँ। और भाई साहब, एक मूवी को हिट बनाने के लिए, उसको दमदार बनाने के लिए उसका विलेन अहम रोल निभाता है, जैसे कि इस मूवी में उन्होंने निभाया है। और इस मूवी का जो मेन विलेन है वो है वर्धा, यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन। अब आप सोचोगे कि पृथ्वीराज सुकुमारन को हमने तो विलेन के रोल में कभी देखा ही नहीं। तो यार मैं बता दूं कि जिस तरह के उन्होंने सलार में रोल निभाया है, यार इसमें जब वो विलेन बनेंगे तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को काफी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और इस टीजर की लेंथ है 1 मिनट 38 सेकंड। और इस 1 मिनट 38 सेकंड में अली अब्बास जफर ने ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं जिससे कि कहानी रिवील हो, लेकिन जो कुछ भी मेकर्स ने दिखाया है ना, गूजबंप्स फील हो रहा है। और इस टीजर के बारे में मैं एक एक पॉइंट बताने लगूं तो सच में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। और सच बताऊं तो ये मुझे टीजर बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।